हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ठीक है, अभी हो गई इवनिंग आई थिंक। रुको, शो हम जा रहे हैं मेडिकल। शुभ को जैसे मैं कल बताया था कि शुभ को थोड़ा सा बुखार हुआ है, तो वो आज थोड़ा सा ज्यादा है, मीन्स हद से ज्यादा है, जो वो चलने के लिए भी नाराज है। इस वजह से आज मैं स्कूल भी नहीं छोड़ा है और करण को फोन किया कि आप आओ, उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक शिशु डॉक्टर है, उसके पास ही जाना है, तो देखते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी होएगा कर लेंगे। बस अभी निकल रहे हैं, चलिए मैं जाती हूँ, आने के बाद ही आपसे बात करूंगी क्या हुआ क्या नहीं। और सुबह का आसमान से उसका रिपोर्ट है, चलो चलते हैं। वो दोनों नीचे चले गए हैं, ये उसका गॉगल्स। ये है जो बच्चा सुनता नहीं, हो गया है 8 o'clock। बाबा गुड, बाबा अरे मामा उठो, मामा सुनो, अभी भी थोड़ा सा बुखार है, सो आज भी स्कूल नहीं गया है, 2 दिन हो गया वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं क्या करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। शुभ याकू हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज वेडनेसडे, क्योंकि 2 दिन हो गया सुबह स्कूल नहीं जा रहे, तो याद नहीं, मंडे को वो गया था, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हो गया वो घर में है। मंडे में ही आप लोगों को बताया था कि सुबह को फीवर आया था, सैटरडे से संडे मंडे नाइट को फिर से आया, उसको ना नाइट को ही आता है, मीन शाम होता है ना तब भी आता है। अभी दिन भर तो वही से घर में रहता है, रेस्ट करता है, आज वो रेस्ट नहीं किया है। और सेकंड वो अभी बाहर गया है। मैं बनाऊंगी रोटी, ये कल रात का है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 ही बनेगा, तो उसके लिए मेरे लिए हो जाएगा। और आज मॉर्निंग में मैं आलू की सब्जी बनाई थी, मिक्स टमाटर, और इसको इग्नोर कीजिए, ये हमेशा ओपन ही रहेगा, मेरा रेगुलर काम यहाँ पे होता है। तो ये आलू की सब्जी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सुबह को भी हो जाएगा, उसको कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा है खाने को, बॉय से ना कुछ भी नहीं खाता है, पता नहीं, टेस्ट जैसे बुखार के टाइम टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, इसी वजह से वो नहीं खाता है। तो मैं अभी रोटी बनाऊंगी और उसको बुलाती हूँ, देखते हैं खाते हैं कि नहीं, पता नहीं। तो ये रेडी हो गया सुबह के लिए खाना, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हो, स्नैक्स तो नहीं खाना है, क्योंकि वो ढंग से अभी खाना नहीं खाता है। तो चलिए मैं उसको बुलाती हूँ और खिला लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत बात करना है। I'm not sure what I'm going to do.
फ्रेंड्स, सो अभी आ गई हूँ किचन में। चाय वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी मैं सुबह से थोड़ा सा खेल रही थी। ये चना है, चना दाल जो मैं भिगो दिया था, और आज मैं इसका ही करी बनाऊंगी, चना दाल का करी लौकी और आलू के साथ। ये मैं सब्जियां भी लेके आई थी, वहां पे है, मैं रखा नहीं, अभी रख दूंगी। तो ये करी बनेगा। आटा गूंद के रख दिया है, बस इसका कटिंग कर दूं, इसको मैं बॉईल कर दूं, उसके बाद करी बना दूंगी। 9 o'clock हो गया है। वो अभी कम बाहर जाता है ना, इसी वजह से वो घर में, मैं भी बोलती हूँ घर में आके खेलो। तो चलो हम रोटी और सब्जी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या चना दाल की करी बॉईल करने के लिए रख दिया है। मसाला मैं बाद में करूंगी, तड़का लगाऊंगी बाद में। और बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है और सुबह देख रहा है कार्टून। सो बच्चे का घर, टीवी का साउंड होएगा, तो मैं सोची कि आप लोगों से यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बात कर लेती हूँ। थोड़ा मीन्स थोड़ा सा चीज है जो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। तो चलिए क्या है मैं बताती हूँ। आज कल मैं वीडियो स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे मैं शाम को मेडिकल गई थी सुबह को लेके, तो आप लोगों के साथ वो शेयर किया कि मैं सुबह को लेके मेडिकल जा रही हूँ। बट वहाँ पे ना शूट करना अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे बच्चे, बिलीव नहीं करोगे, हर एक को कोल्ड या फीवर कुछ ना कुछ तो है, और सब मास्क पहन के आए हैं। और ये कोरोना वायरस ना सच में बहुत डरा के रखा है। और चलिए देखते हैं। बोला है, मीन्स बोला जाता है कि उमान मौत के अंदर इसका कुछ तो रिजल्ट निकलेगा, मीन्स करेंगे। और सुबह का सारा मेडिसिन भी हम कल लेके आए हैं। डॉक्टर सिंपल सा बोले हैं कि कुछ नहीं, बस कोल्ड फीवर है, बट 2 दिन में अगर कंप्लीट नहीं होता है, मीन्स ठीक नहीं होता है, तो आपको फिर से आना है ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो ये सुबह का जो फीवर है ना, वो नाइट को ही आता है। जैसे अभी शाम हुआ है ना, उसका बड़ी हीट हो रहा है, जैसे हमारा पसीना होता है। दोपहर तक वो ठीक था, मॉर्निंग में मीन्स बुखार था, दोपहर को थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मीन्स पसीना वगैरह जैसे देना था देना दे गया। शाम होते होते उसका बड़ी हीट हो रहा है, नॉर्मल अभी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि रात तक उसका कंडीशन क्या होता है। 2 डोज ही लिया है वो मेडिसिन का, मीन्स कल नाइट में लिया था, आज मॉर्निंग में, और आज लेगा वो नाइट में। तो देखते हैं उसका, आज एक दिन हो गया, कल शाम तक अगर उसका कंडीशन ठीक। और एक गुड न्यूज है कि सुबह का स्कूल छुट्टी हो गया है। मुझे अभी ना मैसेज आया था कि 19 से 30 या 31 तक ऐसे हॉलीडे दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर लिया था हॉलीडे, बट यहाँ पे नहीं हुआ था, तो उसका ही वेट कर रही थी। और सुबह ऐसे ही तबीयत खराब, तो मैं उसको छोड़ ही नहीं रही थी। और सुबह पूरा दिन ना घर में रहता है, वो चलने के लिए नाराज है, वो चलता नहीं, वीकनेस बहुत हो गया है। सुबह होता है ऐसा, फीवर वगैरह भी कुछ भी बॉडी का अप डाउन होता है ना, वीकनेस आ जाता है। तो वो शाम के टाइम ही मैं उसको जबरदस्ती भेजती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ खेलेगा तो वो थोड़ा सा एक्टिव रह जाता है। और भेज दिया था तो थोड़ा टाइम के बाद वो चला भी आया। तो बस ये था, इसी वजह से ना मॉर्निंग से मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। मूड ठीक नहीं तो क्या ब्लॉग बनाना, बट उससे भी ज्यादा मूड बहुत खराब और दिमाग खराब कर दिया एक कमेंट। वो क्या है तो मुझे नहीं पता, कमेंट हाँ जो भी था नॉर्मल था। वो इस तरह से चल रहा है अभी, इस टाइप का कमेंट जो है ना आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, आप लोगों को भी पता है। और वो सबको मैं इग्नोर करती हूँ, हमेशा इग्नोर करती हूँ। बट शॉकिंग ये था कि मेरा ही आईडी से मुझे कमेंट किया जा रहा है। बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वो आईडी देखा, मीन्स वो कमेंट देखा और वो नाम देखा, इंडियन लवर्स फैशन, व्हाट इज दिस, ये क्या हो, ये कौन है, देखा तो कुछ नहीं, उसके कुछ भी नहीं है, डीपी तो एक तो नहीं था, ये क्या है। एक तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, ये क्या है, मेरा आईडी, ये कौन है और कहां से आया, इंडियन लवर्स फैशन, क्या खुद को क्या समझ लिया, पता नहीं मेरा ही नाम।
मैं खुद को दो मिनट के लिए समझी कि मैं क्या इतना बड़ी हो गई कि मेरा नाम को यूज करता है कोई। चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी यूज किया, ओके। दो मिनट तो मैं शॉक हो गई, सेकंड मुझे खुशी मिली कि कोई मेरा नाम को यूज करता है। कितने बड़ी हो गई ना, वो मुझे बहुत खुशी लगी। थर्ड थोड़ा सा टेंशन भी होगी, ये कौन है, कहाँ से आया। तो बस आप लोगों को ये बात शेयर करना इसलिए जरूरी था कि थे कोई तो है जो मेरे नाम को यूज कर रहे हैं, और अगर ये नाम डीपी नहीं है, उसमें कोई डीपी नहीं है, आई लिखा है, बस आई लिखा है, डीपी को जो होता है ना इंडियन लोगो लिखा है तो आई आ गया है। सो अगर ये बंदा आप लोगों के चैनल में आता है, इधर उधर कुछ बोलता है ना, प्लीज मुझे आके गाली मत देना, क्योंकि मेरा डीपी है, मेरा चैनल है, आप लोग मुझे चेक कर लेना। और तो ये फेक आईडी है, ये मुझे आप लोगों को बताना था कि है कोई, जो आज मॉर्निंग में ही मुझे पता चला कि कोई है जो मेरा नाम को यूज करके मुझे ही दिया है, और किसी को दिया है कि नहीं कमेंट वो मुझे बता देना। अगर ऐसा कुछ आया है प्लीज मुझे गाली मत करना, क्यों मैं नहीं हूँ, मेरा चैनल चेक कर लेना। तो चलिए, मुझे आप लोगों से यही बात करना था कि समझते हो कि नहीं। और वो सिटी अभी तक नहीं गया है, सिटी देंगे, मैं उसको छोक लगाऊंगी, मीन्स करी बनाऊंगी, मसाला पीसना है अभी। तो चलो, गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बंद करके काम कर, और यहाँ पे मैं क्यों खड़ी होती हूँ समझ लो कि यहाँ पे खिड़की है, खिड़की से हवा आता है तो ये थोड़ा सा ना राहत हो जाते हैं, और आप लोगों के साथ पंखा बंद करके बात करना ये तो पॉसिबल नहीं है। और सच में गर्मी के टाइम ये मुझे सुकून मिलेगा शायद, सच में बहुत ठंडा पवन यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं कभी कभी यहाँ पे ही खड़ी होकर आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलो अभी काम कुछ कर लेते हैं, बहुत बातें हो गया, और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आज डिनर क्या बना रही हूँ। और शुभ का थोड़ा सा हालत अभी ऐसा है, और आई होप कल से तो स्कूल छुट्टी हो गया, ये मुझे राहत मिल गया कि चलो मुझे और कोई टेंशन नहीं। बट टीचर से अभी तक मुझसे बात नहीं हुआ है, दो तीन बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ बट टीचर से बात नहीं हो पा रहे, कभी बिजी आ रहे, कभी वो उठाते नहीं। तो चलो मैं जाती हूँ, खाना बना लेते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करती हूँ मैं। और शुभ को भी बाय बोल दो, शुभना को भी बाय बोल दो, और गेट वेल सून बोलो, और गेट वेल सून बोलो कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा हो जाए। दुबला हो गया ना, बहुत ज्यादा दुबला हो गया, ऐसे करो। सो फ्रेंड्स, मेरा खाना रेडी हो गया है, रोटी और करी में बना दिया, और ये ना थोड़ा सा ज्यादा फूल गया है ना, तो क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सीटी हो गया, मैं बात करने लग गई घर में तो पता नहीं चला। सो ये हो गया मेरा आज का डिनर, आज का डिनर बस ये। और आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं ये ना शूट नहीं कर पाई, मैं बात कर रही थी, और बस उसी बीजी मैंने खाना पका लिया, सुबह दिन में सोया नहीं है तो मुझे लगा कि सो जाएगा, तो मैं वेट ही नहीं की। तो और कभी मैं शेयर कर लूंगी इसका रेसिपी मैं कैसे क्या है, क्योंकि थोड़ा सा अलग किया था, मैं सोची थी आज शेयर करूंगी बट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी इसको शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। और ये ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, करण आ चुके हैं, टीवी का साउंड हैवी है, मैं थोड़ा सा दरवाजा यहाँ पे दिया है। तो चलिए ये ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, और जो मैं आप लोगों को बताया ना मेरे फेक आईडी के बारे में, प्लीज आप इसको चेक करना, अगर आपके पास वो मैसेज वगैरह कुछ आता है या कुछ वैसा होता है ना, आप उसको चेक करना और मुझे भी बताना कि किस किस के पास ये आईडी गया है। मुझे नहीं पता, मुझे आज मॉर्निंग में ही आया तो मैं ब्लॉक किया है, पता नहीं कौन है, क्यों किया है, और मैं तो शॉकिंग थी, उसके बाद खुश हो गई, उसके बाद डर गई कि क्यों आया, कौन है वो इस तरह से हरकत कर रहा है। तो जो भी हो, क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट मैंने ब्लॉक किया है। आप लोगों को सतर्क किया कि आप भी इसको ब्लॉक कर देना अगर ऐसा आइडिया आता है तो। तो चलिए, बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि ऐसा बनाया गया है मेरे नाम पे। तो चलो मिलूंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय, गुड नाइट।